दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि हमारे कई मित्र बोलते हैं कि आप कॉर्पोरेटाइज कर रहे हो, आप डिसइन्वेस्टमेंट कर रहे हो, आरोप लगता है कि प्राइवेटाइज कर रहे हो। मैं स्पष्ट कर दूं, भारतीय रेल कोई कभी प्राइवेटाइज नहीं होगी। भारतीय रेल भारत की संपत्ति है, भारत की रहेगी, भारत के लोगों की रहेगी। लेकिन आखिर रोड भी भारत की संपत्ति है, तो क्या कोई कहता है कि रोड पे सिर्फ सरकारी गाड़ियां चलेंगी? ऐसा तो कोई नहीं कहता है ना। रोड एक सुविधा बनी है, रोड के ऊपर जितनी ज्यादा गाड़ियां चलेंगी उतना देश का हित है। आपकी भी गाड़ी चले, सरकारी भी चले, बस भी चले, निजी क्षेत्र की बस भी चले, ट्रक चले, सब चलेंगे, उतने देश की आर्थिक प्रगति होगी, लोगों को सुविधा मिलेगी। तो क्या रेलवे लाइन अगर एक बार लग गई तो उस पर भी कोशिश नहीं होनी चाहिए कि अच्छी सुविधाएं हमारे यात्रियों को मिले, अच्छी स्पीड की फ्रेट ट्रेन चले? और उसमें अगर कोई निजी निवेश आता है तो मैं समझता हूं उसका स्वागत होना चाहिए। माननीय गिल साहब ने जब डिबेट शुरू की उन्होंने अमृतसर स्टेशन का जिक्र किया। अब देश में करीब 8000 स्टेशन है माननीय सभापति महोदय, 8000 स्टेशन को हमने तो देख लिया, 168 साल पुरानी रेलवे है। किस हालत में थे रेलवे स्टेशन अधिकांश आज से 8-10 साल पहले, आप सब याद करिए। आज रेलवे के पास जो सुविधा थी उसके हिसाब से हमने काफी स्टेशनों में सुधार की कोशिश की, एलईडी लाइटिंग लगा दी, एयरपोर्ट की तरह लाइटिंग हो गई, काफी वेटिंग रूम्स बन गए अच्छे, एस्केलेटर्स तो अभूतपूर्व लगे हैं, लिफ्ट, एस्केलेटर्स, कोई टॉयलेट के बगैर स्टेशन नहीं है आज, सब स्टेशनों पे टॉयलेट लग गए। मैं समझता हूं हर एक में महिलाओं के लिए अलग टॉयलेट बनाए और दिव्यांगों के लिए भी हम टॉयलेट बनाने की कोशिश में लगे हुए हैं बढ़ाने की। लेकिन अगर हमें अति आधुनिक स्टेशन बनाने हैं जो विश्व स्तरीय हो तो आप सोचिए कितने लाखों करोड़ रुपए लगेगा। हमने अमृतसर का सर एक प्लान बनाया, 230 करोड़ रुपए के निवेश पे अमृतसर रेलवे स्टेशन एक अति आधुनिक विश्व स्तरीय रेलवे स्टेशन, जो एक गर्व होगा जब कोई व्यक्ति गोल्डन टेम्पल जाएगा तब उसको गर्व होगा कि मैं अमृतसर स्टेशन पे उतरा। ऐसा स्टेशन हमने तय किया है और उसका आरएफपी भी बन गया है, जल्दी उसको हम इश्यू करने जा रहे हैं। ऐसे हमने लगभग 50 स्टेशनों के बड़े अच्छे डिजाइन, मॉडर्न डिजाइन, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन का तो लगभग 5000 करोड़ रुपए का निवेश से एक इतना अच्छा रेलवे स्टेशन, नई लाइनें आ सके, उसमें कोई आपको घंटों नहीं लगे अंदर बाहर जाने के लिए, पूरा फ्लाईओवर सिस्टम से आप सीधा बाहर कनेक्ट हो जाएं मेन हाईवेज के ऊपर, एक बड़े रूप में रेलवे का विस्तार हो, रेलवे स्टेशन का सौंदर्यीकरण हो। और मैं समझता हूं उसमें अगर निजी निवेश भी आए तो देश हित में, यात्रियों के हित में,